और बहुत लोगों का बकाया लाखों है, 50,000 है, 60,000 है, इसे 50% कम करवाया जाएगा, माफ़ करवाया जाएगा, दरें कम करवाने की लड़ाई सदन में लड़ेंगे। भारतीय जन परिवार पार्टी से उम्मीदवार बनकर राजेश रमैया जी दूसरी बार बोचहा विधानसभा में आए हैं। राजेश जी, किन मुद्दों पे पुनः चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हमारा मुद्दा है कि जो लोगों की समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या है कि इतनी बिजली बिल महंगी हो चुकी है और महंगा होने के कारण, और बहुत लोगों का बकाया लाखों है, 50,000 है, 60,000 है, इसे 50% कम करवाया जाएगा, माफ़ करवाया जाएगा, दरें कम करवाने की लड़ाई सदन में लड़ेंगे। और बोचहा की समस्या क्या है? जैसे बोचहा में एक समस्या है, वो है भगवानपुर रजवाड़ा में पुल का निर्माण, आपके लिए कितनी प्राथमिकता है उसकी? जी, अगर वो रजवाड़ा पुल है, पुल की जो भी समस्या है उसे हम लोग देखेंगे, उसको पूरा किया जाएगा। और हमारी पार्टी है, समर्थित उम्मीदवार है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारी पार्टी का पहला मुद्दा, अगर चुनाव जीतते हैं तो हमारी पार्टी यही बोचहा विधानसभा से ही शुरुआत करेगी इसकी लड़ाई, कि हम सदन में आवाज़ को उठाएंगे कि जब पंजाब में और दिल्ली में जब बिजलियाँ सस्ती हो सकती है तो हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकती है? आप बिहार के लोग यहाँ अमीर है। आप दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं बोचहा से, और मात्र 1-1.5 साल के अंदर ये मौका आपको मिला है, जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि जाति धर्म भेदभाव से ऊपर उठ करके बोचहा की जनता मजबूत कैंडिडेट को, प्रत्याशी को वहाँ से जिताने का कोशिश करे, बस यही। आप पूर्व में VIP में भी रहे हैं और अभी वर्तमान में VIP NDA से अलग हो गई है, इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम या क्या क्या किसी टिप्पा टिप्पणी करने का, उनका अपना व्यक्तिगत है, हम अपना पार्टी बनाए अब चले आए, उनका लड़ना है, अभी देख रहे हैं माथा फोड़ा फोड़ लोग कर रहे हैं, अभी तो खुद उनका कैंडिडेट कन्फर्म नहीं है कि लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, अभी तो पहले वो अपना भाजपा से आने के लिए, भाजपा ने बेबी कुमारी का टिकट कन्फर्म किया है, भाजपा ने, अब जनता इस पर अपना जो निर्णय करना होगा करेगी, स्वतंत्र है सब लड़ने के लिए। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई नहीं, हम वहाँ, जनता हमें आशीर्वाद देगी, हम वहाँ से इस बार जीतेंगे। राजेश रमैया जी हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं बोचहा से, बहुत कॉन्फिडेंस है इनको कि जनता आशीर्वाद इन्हें देगी, देखना आगे तय करेगी जनता की कौन बोचहा का विधायक बनेगा, लेकिन राजेश जी बहुत ही कॉन्फिडेंट है। नया बिहार से न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी का।